तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह के टाइम हो चुका है और यहाँ मैं उठते ही सबसे पहले खिड़की दरवाजे के पर्दे को हटा देती हूँ, तो आप लोग देख सकते हो सीधे सूरज का जो धूप है घर तक आ चुकी है। और आज मैं फिर से लेट उठी हूँ। तो अभी देखिए, बच्चे दोनों पहले उठ चुके थे, इनके पापा मॉर्निंग में निकल गए थे, तो उनके साथ बच्चे भी काफ़ी जल्दी उठ गए थे आज। और मैं ही थोड़ा सा लेट से मतलब उठी हूँ। और अभी तो बच्चे लोग का दिवाली और छठ के छुट्टी चल ही रहे हैं, तो इसी वजह से भी मैं थोड़ा लेट से उठती हूँ। और मतलब अभी हमको सोने का टाइम मिल रहा है, इसके बाद तो जब बच्चे लोग का स्कूल खुल जाएंगे फिर वही रूटीन में आ जाना है। और ये जो ठंड के मौसम में ना सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता है, अगर जल्दी उठे तो काम जल्दी होगा। और आजकल का जो टाइम होता है ना बहुत जल्दी निकल जाती है और सूरज भी बहुत जल्दी निकलता है, क्योंकि ऐसा लगता है शायद बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो मैं कोशिश करती हूँ ये जो विंटर सीजन है ना, मतलब जल्दी उठ के ही काम करना चाहिए। और जितना आप सोए रहोगे ना उतना ठंडी लगती है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी उतना ठंड नहीं है। देखिए अभी इधर ना 9 साढ़े 9 बजे तक जैसे धूप मतलब ज़्यादा तेज़ हो जाती है ना, तो इधर मतलब गर्मी लगने लगती है। तो अभी मॉर्निंग में थोड़ा बहुत ठंड लग रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैं आ गई थी किचन, और आज जो मेरा किचन है उतना फैला नहीं हुआ है, तो उतना मुझे क्लीन करने का नहीं है। तो ज़्यादा बड़ा किचन नहीं है मेरा, छोटा सा किचन है, छोटा परिवार के लिए सब कुछ ठीक ठाक है। ज़्यादा सामान भी नहीं है, जितना यूजिंग चीज़ें बस वही है। तो यही सब डेली का काम होता है जो हम लोग मॉर्निंग में सब कोई करते हैं, तो यही सब, कुछ नया नहीं होता है। और यहाँ देखिए बच्चे दोनों ना दिया को इधर से उधर कर रहे थे, ये दिवाली के थे, तो अभी मैं इसको समेट के रख देती हूँ। कुछ कुछ नए लोग मतलब फोड़ दिए थे खेलते खेलते, और कुछ को यहाँ रखे हुए थे, तो मैं दोनों को बोली थी कि इसको बाहर में रखो, लेकिन ये फिर किचन में ही रखा हुआ था। तो अभी देखिए मैं सब कुछ हटा हटा के अभी झाड़ू लगा लेती हूँ, और मतलब कोशिश करती हूँ कि थोड़ा जो मॉर्निंग का काम होना जल्दी हो, लेकिन ये जो इतना लेट से उठने की वजह से काम भी थोड़ा देरी हो जाती है। तो अभी देखिए मैं आ गई थी बेडरूम यहाँ, और ये जो मेरा बच्चा है मॉर्निंग में बैठा हुआ था, इनको ठंडी नहीं लगती है, मुझे ही लग रही ठंडी। और जो बच्चे लोग होते हैं ना उन लोग को जल्दी नहीं लगता है ठंडा। और अभी देखिए मेरा जो बेडरूम है उसको मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो छोटा सा घर है मेरा, अपना तो नहीं है, और फिर भी जहाँ रहती हूँ ये अभी मैं अपना ही बोलती हूँ, क्योंकि जिस घर में भी रहो जब तक रहो वो अपना ही होता है, चाहे घर छोटा हो या बड़ा, काम उतना ही रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेरा पोछा लगाना हो चुका था, और अभी मैं आ गई थी फिर से किचन, और यहाँ मैं सब्जी काट रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये बैंगन की भुजिया। तो अभी बच्चे दोनों के लिए सबसे पहले मैं नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि काम तो ख़त्म होने वाले हैं नहीं है, और मेरे वजह से दोनों का ये जो नाश्ता भी लेट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ पहले नाश्ता दोनों को बना देती हूँ। तो ये देख रहे हो ना कितना ज़्यादा इसमें कीड़े लगे हुए हैं, तो मैं इसको चुन चुन के थोड़ा सा काट रही हूँ, क्योंकि जो हम खरीदने के टाइम ना मतलब रात को लिए थे तो हम लोग को पता नहीं चला, इसी वजह से देख सकते हो कितना ज़्यादा हम मतलब फेंका गया है। तो अभी चलिए मैं इसको धो लेती हूँ, धोने के बाद अभी मैं इसको बनाती हूँ। और यहाँ मैं आलू मिक्स करने वाली हूँ, तो आलू को भी मैं काट लेती हूँ। तो इसको थोड़ा मैं पतले पतले काट रही हूँ ताकि भुंजिया के साथ अच्छे से पक जाए। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो चलिए अभी मैं पहले आलू को फ्राई कर लेती हूँ। और आलू को फ्राई करने से क्या होता है ना, ये बैंगन के साथ अच्छे से पक जाएंगे, और आलू थोड़ा सा टाइट होता है तो ये बैंगन के साथ अच्छे से पकते नहीं हैं, तो इसीलिए पहले मैं हमेशा आलू को ही फ्राई करके रखती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने बैंगन को भूंज लिया था और इसको मैं ढक के रखी हूँ। तो अभी चलिए मैं आटा को भी गूंध लेती हूँ, तो साथ साथ सब हो जाएगा। और अभी देखिए मेरा नहाने का भी टाइम हो रहा है और कपड़े भी धोने हैं मुझे, तो आज मैं मशीन में नहीं लगाऊंगी कपड़े को, क्योंकि थोड़ा सा ही कपड़े हैं और जब ज़्यादा रहते तभी मैं मशीन में धोती हूँ। तो यहाँ मेरा आटा गूंदना भी हो चुका था, और चलिए अभी मैं दोनों के लिए रोटी भी बना दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं मतलब सभी के लिए बना के रख देती हूँ,
तो ये देखिए मेरा जो भुंजिया है वो तैयार हो गया है। तो अभी चलिए मैं रोटी को सेक देती हूँ। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और यहाँ मैं नहा के आ चुकी थी। तो आज मैं ना साड़ी पहनी हूँ और अभी मुझे दोपहर के लिए खाना बनाना है। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन और आप लोग देख सकते हो एक साइड मेरा खाना उबल रहा है और एक साइड मेरा दाल जो है वो मैं 2 सीटी आने तक उसको मैं पकाई थी। अभी मैं कम आँच में इसको कुछ देर पकाऊँगी। तो ऐसा करने से ना दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इधर देखिए आज मैं बनाने वाली हूँ ये बत्तख के अंडे और साल में हम लोग इसको एक बार ज़रूर खाते हैं और ये विंटर के टाइम ही आते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो इसी वजह से देखे हस्बैंड जी ला के रख दिए थे। और आज मैं इसका भुंजिया बनाने वाली हूँ तो ज़्यादा इसमें मिर्च मसाला नहीं डालूँगी और बच्चे दोनों को तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अभी देखिए इसमें टमाटर को मैं अच्छे से पका लिया था और अभी मैं इसमें अंडे को फोड़ के डालूँगी। तो ये जो सीजन होता है ना यही सीजन में ये अंडे मिलते हैं तो इसको खाना ना अच्छा माना जाता है और बच्चे लोग को तो खिलाना चाहिए। तो वैसे तो हम बॉइलिंग करके बच्चे दोनों को देते हैं और काफ़ी ज़्यादा लाए हैं तो अभी हम मतलब तीनों के लिए ही बन रहे हैं, हस्बैंड जी तो नहीं है घर पर। तो अभी देखिए इसका जो भुंजिया है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और ऊपर से मैं इसमें अंडे मसाला डाल रही हूँ। तो ये देखिए मेरा जो है अच्छे से बन चुके हैं और ये ना मतलब काफ़ी ज़्यादा बन गया था और इसमें 4 टू का ही मैं बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई हूँ। और यहाँ देखिए अभी मैं सबके लिए खाना परोस रही हूँ। अभी एक साइड में दाल को सबके लिए बांट के रखी हूँ और ये देखिए भुंजिया है। तो अभी देखिए हम लोग खाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को ये मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना